हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एमर्स। आज आम इंग्लीश्र द सॉलिटेरी रिपर किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करिबा। वीडियोटी को स्टार्ट करिबा पूर्व चैनलटी को सब्सक्राइब कर दिंतु एंड पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक कर दिंतु। तो चलांतु देखिबा आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे। क्वेश्चन नंबर वन, हु सिंग्स वेलकम नोट्स? द कुको, द नाइटिंगेल, द सॉलिटेरी रिपर, द वेरी ट्रेवलर्स। आंसर इज ऑप्शन बी, द नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच कंट्री डज द सॉलिटरी रिपर बिलोंग टू? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अरब, फ्रांस। आंसर इज स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर थ्री, Where do the nightingales sing? In the river Isles, among the Hebrides, in the mountain regions of Scotland, in the oasis among Arabian saints. Answer is option D, in the oasis among Arabian saints. Question number 4, for whom do the nightingales sing? For the post, for the passers-by, for the tired travelers, the solitary girls. Answer is option C, for the tired travelers. Next, Where do the tired travelers take rest? Among the farthest Hebrides, in the oasis among the Arabian deserts, highland of Scotland, deep valley. Answer is option B, in the oasis among the Arabian deserts. Question number 6, where does Sadie Hunt refer to? Deep Valley, Highland, Oasis, Island. Answer is Oasis. Question number 7, when does the cuckoo bird sing? In autumn, in spring, in summer, in winter. Answer is in spring. Question number 8, what breaks the silence of the seas? The song of the nightingale, the song of the cuckoo, the solitary reaper song, the sound of the sea waves. Answer is the song of the cuckoo. Question number 9, where does the cuckoo sing? In the deep valley, in the highlands, in the Sadie Hunt, among the farthest Hebrides. Answer is among the farthest Hebrides. Question number 10, William Wordsworth belonged to Dias, America, Ireland, England, Mexico. Answer is England. Question number 11, William Wordsworth was a lover of Dias, beauty, nature, music, God. Answer is
ऑप्शन बी नेचर। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड्सवर्थ वाज पासिंग थ्रू एरियाज फॉरेस्ट, कॉर्नफील्ड, नैरो वैली, वैली। आंसर इज ऑप्शन डी वैली। क्वेश्चन नंबर 13, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर डैस नेवर अदर एवर आइज। आंसर इज एवर। क्वेश्चन नंबर 14, द सीनिक व्यू ऑफ ए पिक्चर स्क्यू साइट प्लेजेस अवर डैस आइज सोल हार्ट माइंड। आंसर इज आइज। क्वेश्चन नंबर 15, ए सोलफुल टोन ऑफ ए सिंगर अम्यूजेस ओवर डैस माइंड हार्ट ईयर्स सेंसेस। आंसर इज हार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएम द सॉलिटरी रिपर डेपिक्ट्स ए डैस सॉलिटरी हाईलैंड लैस सॉलिटरी गर्ल्स सॉलिटरी वैली सॉलिटरी गर्ल्स ब्यूटी। आंसर इज ऑप्शन ए सॉलिटरी हाईलैंड लैस। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्सप्रेशन हाईलैंड लैस मीन्स ए गर्ल हु लिव्स इन द हाईलैंड ऑफ डैस ए कंट्री ए वैली ए रीजन स्कॉटलैंड। आंसर इज ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएट आस्क द पासर्स बाय टू डैस स्टॉप हियर सी द गर्ल स्टॉप एंड सी द गर्ल्स स्टॉप देयर एंड पास जेंटली। आंसर इज ऑप्शन डी स्टॉप देयर एंड पास जेंटली। क्वेश्चन नंबर 19, द पोएट आस्क अदर पासर्स बाय टू स्टॉप देयर टू डैस सी द लोनली गर्ल एंजॉय द सीनिक ब्यूटी लिसन टू द गर्ल सॉन्ग लिसन टू द कुकोस वॉइस। आंसर इज लिसन टू द गर्ल सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 20, द पोएट डज नॉट विश टू डैस डिस्टर्ब द गर्ल आस्क एनीथिंग टू द गर्ल स्टॉप देयर नो अबाउट द गर्ल। आंसर इज डिस्टर्ब द गर्ल। क्वेश्चन नंबर 21, एंड ओवर द डैस बेंडिंग कॉर्न सिकल एक्स बॉडी। आंसर इज सिकल। क्वेश्चन नंबर 22, एट लास्ट द पोएट माउंटेड ऑफ द डैस ट्री वैली हिल हाईलैंड। आंसर इज ऑप्शन सी हिल। क्वेश्चन नंबर 23, द पोएट इमेजिन्स आज इफ द रिपर्स सॉन्ग कुड हैव नो डैस मीनिंग एंडिंग रिदम साउंड।
आंसर इज ऑप्शन बी एंडिंग. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट वाज द गर्ल्स रिपिंग द कॉर्न विथ? एक्स, स्पेड, सिकल, हार्वेस्टर. आंसर इज ऑप्शन सी सिकल. क्वेश्चन नंबर 25. वेयर डिड द पोएट बियर द म्यूजिक? इन हिज माइंड, इन हिज बॉडी, इन हिज सोल, इन हिज हार्ट. आंसर इज ऑप्शन डी इन हिज हार्ट. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट आर द हेब्राइड्स? ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, फेयर ऑफ विलेज, डेजर्ट, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. आंसर इज ऑप्शन डी ए ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट एवर द थीम द मेडन सेंग, हियर मेडन रेफर्स टू डियास. द सॉलिटरी रिपर, द पोएट, पासर्स बाय, ए स्वीट सिंगिंग बर्ड. आंसर इज ऑप्शन ए द सॉलिटरी रिपर. क्वेश्चन नंबर 28. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, हियर इट रेफर्स टू डियास. द म्यूजिक ऑफ द सॉलिटरी गर्ल, द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, द सॉन्ग ऑफ द कुको, द साउंड ऑफ द पासेस बाय. आंसर इज ऑप्शन ए The music of the solitary girl. Next, question number 29. Oh, listen for the bell profound. The poet says so to the dias, the co-travelers, the solitary girl, himself, the people working in the cornfield. Answer is option A, the co-travelers. Question number 30. Some natural sorrow, loss or dias that has been and may be again. Battle, fire of things, humble lay, pain. Answer is option D, pain. Next, question number 31. Or is it some more humble, dias familiar matter of today? Lay, lie, persons, singers. Answer is option A, lay. Question number 32. For old, unhappy, pair of things and dias long ago. War, battles, fighting, revolt. Answer is option B, battles. Question number 33. The poem The Solitary Reaper is one of the poet's finest dias, nature song, lyrics, hymn, folk poetry. Answer is option B, lyrics. Question number 34. What effects does the girl's song
have over the surroundings has no effects. All people desert the valley. The valley echoes with the song. The valley is indifferent. Answer is option C. The valley echoes with the song. Question number 35. The expression humble lay means tears, sad, ordinary song, long song, deep sound. Answer is option B, ordinary song. Question number 36. The melody of the song holds the poet dears, surprised, amazed, worried, mesmerized. Answer is option D, mesmerized. Question number 37. The expression shady haunt means dias, valley, oasis, desert, cool place. Answer is option B, oasis. Question number 38. The poet carried the dias in the heart, picture, feelings, music, emotion. Answer is option C, music. Question number 39. At last post walked up the dias, hill, mountain, valley, hillock. Answer is option A, hill. Question number 40. The poet's guess is that the girl's song contains a theme of dias, sorrow, loss, loss or pain, all the above. Answer is option D, all the above. Question number 41. Wordsworth first that the girl's song was related to some dias, past events, present events, future events, all the above. Answer is option A, past events. Next. Question number 42. William Wordsworth tried to guess the dias, meaning of the Scottish words, meaning of the girl's language, theme of the Ripper's song, none of the above. Answer is option C, theme of the Ripper's song. Question number 43. A cuckoo bird is well known for its dias, beautiful feathers, beautiful color, sweet voice, all the above. Answer is option C, sweet voice. Question number 44. The cuckoo can break the silence of the dias. Desert, oasis, shady places, sea. Answer is C. Question number 45. The whole dias flooded with the beautiful voice of the girl. Area,
वैली, फील्ड, कंट्री। आंसर इज ऑप्शन बी वैली। क्वेश्चन नंबर 46। द रिपर इज ऑल डैश इन द फील्ड अबाउट ऑफ अलोन अलोंग। आंसर इज ऑप्शन सी अलोन। क्वेश्चन नंबर 47। What do you mean by melancholy strain? Melodious song, mythological song, solitary song, sad song? Answer is option D, sad song. Question number 48. The pigeon's girl is singing a jazz, melodious song, sad song, both A and B, none of the above. Answer is option B, sad song. Question number 49. The poet does not wish to disturb the girl, ask anything to the girl, stop there, know about the girl. Answer is option A, disturb the girl. Question number 50. The setting of the poem is jazz. The Arabian desert, the British Isles, the Hebrides Island, the mountain regions of Scotland. Answer is option D, the mountain regions of Scotland. Okay, students, आजर भिडी जब तुमको भल लगे तेज भिडियो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।